गुड मॉर्निंग 11th क्लास. टुडे आवर लेक्चर इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बेटे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दो स्टेटमेंट विच हेल्प द बिजनेसमैन टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों? फाइनल अकाउंट्स. क्या कहते हैं बेटे? फाइनल अकाउंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे? हर एक कंपनी का अपना एक अकाउंटिंग ईयर होता है. अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर की, तो अकाउंटिंग ईयर कितना होता है बच्चों? 12 मंथ्स का होता है. तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म. इसके लिए बेटे हम लोग दो तरह के स्टेटमेंट बनाते हैं. एक बनाते हैं बच्चों हम लोग इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसी तरह फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बी की बात कर रही हूँ, सेकेंड अकाउंट सेकेंड जो बनाते हैं हम लोग, फाइनेंशियल पोजीशन को न जानने के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट. क्या बनाते हैं बच्चों? बैलेंस शीट. देखो बेटे ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक ऐसा नॉमिनल अकाउंट है जो हमें बिजनेस के अंदर मिलने वाले ग्रॉस प्रॉफिट और होने वाले ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है. तो देखिए बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट शोज क्या शो करता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. हम लोग गुड्स को क्या करते हैं? खरीदते हैं, चाहे वो गुड्स रॉ मटेरियल है, चाहे वो फिनिश्ड है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड है. हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को लेकर आ रहे हैं थ्रू ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री के अंदर. तो वो भी बेटे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज गुड्स अकाउंट. हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? गुड्स अकाउंट भी कहते हैं. थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्या निकाल पाते हैं बिजनेस में? हमें ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रोस लॉस हो रहा है. किसके कारण? हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के कारण. ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? सब कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं बेटे. ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है गुड्स को सेल और परचेज करने से. ठीक है बच्चों? तो गुड्स को सेल परचेज करने से हमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है, कौन सा प्रॉफिट? ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस होता है, वो हम लोग किसके थ्रू जनरेट कर पाते हैं? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से. ठीक है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? गुड्स अकाउंट. व्हाई इट इज कॉल्ड एट गुड्स अकाउंट? बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन, जितनी भी बच्चों गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक की है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक की है, चाहे वो परचेज की है, परचेज रिटर्न की है, सेल्स की है, सेल्स रिटर्न की है, all the transactions are recorded in a trading account. That's why trading account को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? गुड्स अकाउंट भी कहते हैं. अब देखो बेटे, अब यहाँ पर आप सबको पता है अकाउंट टी शेप फॉर्मेट में होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड. यहाँ पर बच्चों जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है. अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल डेबिट और एक्सपेंसिज एंड लॉसेज, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स. ओके, तो बेटे यहाँ पर देखिए, तो बेसिकली हमारी कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं? तो देखो बेटे, वैसे अगर हम लोग बात करें इससे पहले कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का बेनिफिट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट वन तो बेटे यही है टू नो अबाउट द ग्रोस लॉस एंड ग्रोस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. हम लोग बेटे ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में भी जान पाते हैं कि हमारी कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं बेटे जिनका रिलेशन डायरेक्टली बिजनेस में फैक्ट्री से होता है. फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो देखिए बच्चों, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स को हम लोग डेबिट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बेटे? सम स्टॉक रिमेन अनसोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर. पिछले साल जो स्टॉक क्या रह गया? बिना बिका रह गया. तो इस साल बच्चों वो स्टॉक हमारे लिए क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक के अंदर बेटे चाहे वो स्टॉक है रॉ मटेरियल का, चाहे सेमी फिनिश का, और चाहे बच्चों वो फिनिश्ड गुड्स का. ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसिज
जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेटे बेसिकली जब हम लोग ग्रो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में जान पाते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट हैं, और हमें अगर वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो हमें उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से आएंगे, वेजिस। ओके, वेजिस क्या होती है बेटे? देखो आप सबको पता है कि अगर आप फैक्ट्री में ऐसे वर्कर काम करते हैं तो आपको जो मिलता है वो क्या होती है, वेजिस। ओके, वेजिस के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों दो बातें हैं। अगर क्वेश्चन में आपको वेजिस दे रखा है, वेजिस एंड सैलरीज दे रखा है, तो बेटे ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी वेजिस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीनरी दे रखा है, वेजिस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग दे रखा है, तो बेटे वो यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों वो कौन से एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप सबको पता है बच्चों जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं वही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों वो जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज नॉट टर्म इन टू दिस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर चाहे वेजिस हो चाहे वेजिस एंड सैलरी, ऐसे ही बच्चों कैरेज क्या होता है, भाड़ा। या आपने किराया भाड़ा दिया, आपने गुड्स मंगाई, आपने रॉ मटेरियल मंगाया बेचने के लिए, आपने रॉ मटेरियल मंगाया प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे चाहे क्वेश्चन में कैरेज दे रखा हो, चाहे कैरेज इनवार्ड दे रखा हो, और चाहे क्या दे रखा हो बच्चों, कैरेज इन, ये सब क्या है बच्चों, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसिव। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव भी क्या है बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। डॉक चार्जेस क्या होते हैं, आप अपना सामान बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, आप जो कार्गो वगैरह मंगा रहे हैं वो आप लोग कहाँ से मंगा रहे हैं, बेसिकली वेसल्स के थ्रू मंगा रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर जो आपको पे करना पड़ रहा है वो क्या है बच्चों, डॉक चार्जेस। तो डॉक चार्जेस भी बेटे हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, गवर्नमेंट बेटे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उस पर क्या लेती है, टैक्स लेती है, चार्ज करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय है, ऑक्ट्रॉय क्या होता है, जो म्यूनिसिपल कमेटी वाले हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई सामान हमारी सिटी के अंदर आता है तो चार्ज करते हैं प्रोड्यूसर से, दैट इज नोन एज ऑक्ट्रॉय। तो बेटा ये सब जो एक्सपेंसेस हैं बेटे वो सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा बेटे जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यानी कि ऐसे सारे एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन डायरेक्ट प्रोडक्शन से है, मैन्युफैक्चरिंग से है, दिस इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो बेटे ये सब जो टर्म्स हैं दैट विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको हम लोग क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, तो बेटा जो हम लोग क्रेडिट साइड पर लिखेंगे वो टर्म्स हैं हमारी यहाँ पर सेल्स रिटर्न्स। सेल्स क्या होता है, कंपनी ड्यूरिंग द ईयर सेल करती है, सेल के अंदर बेटे दोनों ही बातें हो सकती हैं, चाहे वो क्रेडिट सेल हो और चाहे वो कैश सेल हो। एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, जो सामान हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, बेसिकली हमें वापस मिल रहा है, तो वो भी बेटे कहाँ आएगा, हमारी क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक जो एंड द एंड अनसोल्ड स्टॉक रह गया है बेटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर बेटा ट्रेडिंग अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो बेटे अब यहाँ पर ये जो हमारे अकाउंट्स हैं जब हम इसको क्लोज करते हैं तो हम लोग क्या क्या एंट्रीज बनाते हैं, अब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, तो बेटे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्री के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, देखिए बच्चों
यहाँ पे जो फर्स्ट है क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग एंट्री फॉर दोज अकाउंट दैट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेटा ये हम लोग यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, जो डेबिट साइड पे आप ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या क्या ट्रांसफर किया बच्चों, टू परचेज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बच्चों मैंने आपको लिस्ट बताई थी, ओके। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चे हमारे, बेसिकली आ गए बेटे हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और आ गए बच्चों हमारे यहाँ पर कैरेज, फ्राइड, ओके, और वेजेस जिसकी लिस्ट हमने अभी प्रिपेयर करी है, वेजेस एंड सैलरीज, ये सब हमारी क्या है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों क्लोज कर रहे हैं। इसके अलावा बेटे हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ओके। इसके अलावा बेटे हम लोग जो जो बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे उनको कैसे क्लोज करेंगे, जैसे सेल्स अकाउंट डेबिट, ओके, बेसिकली ये क्या है हमारे सेल्स अकाउंट डेबिट। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे कई क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर परचेज रिटर्न गिवन है बच्चों, तो बेटे हम लोग परचेज में से परचेज रिटर्न को ऑलरेडी माइनस कर देंगे, तो इसलिए परचेज रिटर्न को यहाँ पर क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इसे टीसीए फॉर्मेट, ओके, आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। यहाँ बेटे जैसे आप ट्रांसफर करोगे तो आप क्या करेंगे, इसमें एक चीज और लिखेंगे बच्चे हम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को भी तो ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे हमारा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, ओके। उसके बाद बेटा हमारे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बच्चे, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, यहाँ अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, देखिए बेटा दैट इज क्रेडिट साइड एंड दैट इज डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो यहाँ पर आएगा बेटे हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, क्या आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग बेटे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्यों ट्रांसफर करते हैं, ताकि हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जान सकें। अगर बच्चों हमारी डेबिट साइड ग्रेटर है तो हमें होता है बच्चों बाय ग्रॉस लॉस, ओके, इसी बात हम लोग अकाउंट को क्या कर देते हैं बच्चे क्लोज कर देते हैं। बेटे आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या फॉर्मेट है, वो आपको सिखाया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।